क्या आपने जॉन विक 3 की थर्ड इंस्टॉलमेंट देखी? मैं नहीं देख पाया क्योंकि मेरे इधर जॉन विक लगी ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरे आसपास भी जॉन विक 3 कहीं नहीं लगी है। अगर 100 किलोमीटर के अंतराल में भी कहीं पर भी जॉन विक लगी होती तो मैं वहाँ उड़ कर पहुँच जाता, पर जॉन विक नहीं लगी। अब आप सोच रहे हैं मैं जॉन विक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, कि मैं एवेंजर जितनी तो नहीं बट जॉन विक सीरीज के भी मैं काफ़ी बड़ा फैन हूँ, इसी वजह से जॉन विक की बात कर रहा हूँ। बट आज मैं बात करूँगा कैप्टन अमेरिका नए सील के बारे में। तो क्या है वो, चलिए उसके बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। हेलो सुपर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कंक्लूजन। बात जहाँ कैप्टन अमेरिका की सील की होती है तो हमें वो लेजेंडरी कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम वाली सील की याद आती है। बट यहाँ हम कैप्टन अमेरिका की दूसरी सील के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में आपने देखा था, जहाँ हैप्पी एक जगह कहता है कि कैप्टन की इसमें नई सील है और थॉर की मैजिक बेल्ट। तो अभी तक ना हमें थॉर की मैजिक बेल्ट से बताया गया है और ना ही कैप्टन अमेरिका की नई सील से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और जहाँ तक मैं थॉर के मैजिक बेल्ट के बारे में कहूँ तो उसे पहनने के बाद थॉर की ताकत पहले से भी ज़्यादा यानी कि दुगनी हो जाती है, तो उसकी ज़रूरत तो एंड गेम में उसे होनी ही चाहिए। बट लगता है उन्होंने थैनोस को थोड़े हल्के में ही लिया, इसी वजह से उस जगह पर वो मैजिक बेल्ट लेकर नहीं गया। और बात जहाँ कैप्टन अमेरिका ही कहते हैं तो कैप्टन अमेरिका को भी नई सील नहीं दी गई, तो उसके पीछे का कारण भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एमसीयू वाले कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं दिखाते। उनके दिखाने का हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही है। तो इसी पे एक फैन ने जोर उसो से ये सवाल पूछा कि कैप्टन अमेरिका की नई सील के बारे में आपकी क्या राय है। तो जोर उसो ने इसका खुल्लम खुल्ला जवाब तो नहीं दिया, बस ये बताया कि आगे आपको आने वाली मूवी में पता चल जाएगा कि कैप्टन अमेरिका की नई सील का आखिर जवाब क्या है, कि कैप्टन अमेरिका 4 जरूर आएगी। अगर कैप्टन अमेरिका 4 आएगी तो थॉर 4 भी आएगी, अगर थॉर 4 आएगी तो आई थिंक आयरन मैन 4 भी जरूर आएगी। और जब ये सब मूवी हमारे पास आएगी तो हमें गम किस बात का, हम फिर से अगर अपने पुराने सुपर हीरोज़ को अगर देख ही लेंगे तो हमें ज़िंदगी का असली मज़ा फिर से आ जाएगा, वैसा ही वाला जैसे कि हम एंड गेम देख के आया। एंड गेम देखना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस को मैं और भी बार जीना चाहता हूँ। ऐसे मैं हर किसी को कहता हूँ एंड गेम देखने वालों को कि आपको अवेंजर्स एंड गेम जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवी सदियों में एक बार बनती है और शायद अपने लाइफ में आप इससे अच्छी मूवी कभी ना देख पाएं, ऐसा मुझे लगता है। तो आई थिंक जो रिसो अगर फिर से पुराने वाले 6 एवेंजर्स को लेकर एंड गेम से भी बड़े लेवल की मूवी बनाए तो मेरी ये बात झूठ साबित हो जाएगी और मुझे इस बात की बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे फैंस बस जी रहे हैं एवेंजर्स की आने वाली मूवी देखने के लिए या एमसीयू की और भी आने वाली अच्छी अच्छी मूवी देखने के लिए, ना कि वुमेंस वाली, बट मेंस वाली तो जरूर देखेंगे, जैसा कि हम देखते हुए बचपन से बड़े हुए हैं और बड़े से बूढ़ा होना भी हम उसे देख कर ही चाहते हैं। तो अपडेट के साथ साथ आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे वर्सेस वीडियो भी आती है, ऐसे काफ़ी टाइम से नहीं आई है बट मैं फिर से वर्सेस वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो वर्सेस वीडियो मैं किस पर बनाऊँ ये मैं आप सबसे पूछता हूँ, मेरे पास कुछ आइडियाज़ तो हैं बट मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है। जैसे कि कैप्टन मार्वल वर्सेस स्कारलेट विच या स्ट्रॉन्ग ब्रेकर वर्सेस मियोनियर या कैप्टन अमेरिका वर्सेस विंटर सोल्जर, ऐसे ही इस पे शायद किसी ने बनाई नहीं होगी, तो कोई बात नहीं मैं ही बना देता हूँ। या विंटर सोल्जर वर्सेस फाल्कन यानी कि सैम विल्सन, इनमें से कौन है जो कैप्टन अमेरिका बनने के लिए ज़्यादा वर्दी है। और थॉर वर्सेस हरक्यूलिस और डेडपूल वर्सेस डैश शॉट और भी कैसे बहुत सारे सुपर हीरोज वर्सेस वाली वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं, उन्हें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, बेल आइकन दबाने के बाद आप मेरी नई वीडियो से अपलोड से अपडेट रह सकते हैं और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आप मेरी पुरानी वीडियो को भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और आप जहाँ तक जानते हैं कि हम इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी चलता हूँ, आप तब तक पुरानी वीडियो एंजॉय करें।
तो फिर मिलूंगा किसी और कंक्लूजन के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन बाय। Time I'm walking out, I can hear you telling me to turn up.